महर्षि के काल के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ और धीरे धीरे विश्वविद्यालयों में विद्वानों को सम्मान दिया जाने लगा और आज तो दिलीप जी जैसे विद्वान प्रभु ने भेज दिए हैं कि जो इसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं, और इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है वो पुनः जो है अभिवृद्धित हुआ। और उसमें मैं आपको, समय बहुत कम है तो मैं 4-5 पंक्तियां रखना चाहूंगा कि वर्तमान समय में आज हमें क्या करना है कि हमारे जो फलित ज्योतिष है इसका जो वैज्ञानिक स्वरूप है, जैसे प्रभु संहिता, रावण संहिता, जो मूल ग्रंथ बड़े दुर्लभ हो गए हैं, इनमें व्यक्ति का नाम, घर घर में बाबा का नाम, दादी का नाम, कार, व्यवसाय, सब कुछ निकल आता है। और लोगों ने, जिन्होंने किया, उन्होंने इसका अनुभव किया, आश्चर्यचकित रह गए। नाड़ी ज्योति दक्षिण भारत में बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। तो ये सारी चीज़ें जो फलित ज्योतिष की हमारे यहाँ लुप्त होती गई, आज ये जो हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं उसको हमें फिर से विज्ञान से जोड़ना होगा। और मैं जो लखनऊ में कार्य कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ कि पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग पर ज्योतिष को देखना। और जैसे कि कुछ बीच में जो काल आया उसमें क्या हुआ कि लोगों ने कुंडली देखना, हाथ देखना, तो छोड़िए, ऐसा ही आनंद किया, जो मन में आया बोल दिया, नहीं तो कुंडली रख दी, जो मन में आया कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। होना कैसे चाहिए कि एक एक रहकर जो हमारे फलित ज्योतिष के पराशर ऋषि आदि हुए, उन्होंने जो गणना विश्लेषण किया, अगर हम गहराई से उसको देखते जाए, करते जाए, तो वो सारी गणनाएं हमारी बड़ी ही उचित ढंग से हमारे समक्ष आती है। और इसके साथ साथ में जैसे अभी मैडम ने बोला भी था कि ईश्वर पर विश्वास जो दिलीप जी के अंदर भी, आप सबके भी है, कभी आप लोग जहाँ आए हैं, तो वो ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा और अध्यात्म, इसका भी ज्योतिष में समन्वय बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप प्रभु का ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपको पॉजिटिव जो रेज हैं ब्रह्मांड से वो प्राप्त नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आवश्यक है कि जैसे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें एक और दिक्कत थोड़ी सी आती है कि ये गज योग ये सब लिखे हैं और आज के समय में तो कोई घोड़ा हाथी नहीं चलाता, कहीं कहीं पे 10 संतानों का योग है, जो 10 संतानें बहुत रेयर होती हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे जो योग हैं और बहुत सारी ऐसी कोर्सेज जो व्यक्ति ज्योतिषी के पास परामर्श देखिए, ज्योतिषी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण समाज का अंग है। और ज्योतिषी को IAS तो एक बार एग्जाम, दो बार टीपी दिया, मेन दिया, इंटरव्यू दिया, बन गया। ज्योतिषी को हर व्यक्ति के समक्ष आता बैठ जाएगा, आप बताइए हमारे बारे में, बताइए कुछ दादा, बताइए कुछ नया, तो हम जाने कि भाई आप सही बताते हैं। ज्योतिषी को हर समय परीक्षा देते रहना पड़ता है। ज्योतिष करना सरल नहीं है, ज्योतिषी या विद्वानों के समक्ष तो और मुश्किल है। तो ऐसे समय में हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में योग दिए हैं, वर्तमान में जो कोर्सेज चल रहे हैं, किस ग्रह से रिलेट कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग नहीं, वो कह रहा है हाइड्रोलिक से करें कि मैकेनिकल से करें, इलेक्ट्रॉनिक से करें, तो आपको सारे विषय जो आज के समय में चल रहे हैं उनके विषय में भी जानकारी करनी पड़ेगी। ये हमारा विषय है जो कि आप वर्तमान समय ज्योतिष की प्रासंगिकता, तो इस पर हम आपको बता रहे हैं कि आज के समय में ये सारे विषयों को भी हमें लेकर सारी चर्चा चलनी पड़ेगी। और प्राचीन योग से उसको देखना पड़ेगा किस ग्रह से कौन सी चीज़ मिल रही है, किससे क्या हो रहा है, तब उस व्यक्ति को हम परामर्श जो देंगे वो वैज्ञानिक। तो आज के समय में अभी एक जन प्रश्न भी किया, आपने जो कंसल्टेशन सेंटर चले रिसर्च शब्द क्यों लगाया, इसीलिए रिसर्च लगाया कि रिसर्च करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, तब आप किसी को परामर्श दे पाएंगे। इतना सरल नहीं है, वैज्ञानिक ढंग से देना है। तो आप ढंग के कुछ भी बोलते हैं, कहें कि मैं जो बोलता हूँ वही ब्रह्म की वाणी है, जैसा कि बीच काल में हुआ था पौराणिक काल में, तो वो चीज़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तविक ज्योतिष हम आज के समय में करें, वैज्ञानिक ढंग से करें, तो बहुत रिसर्च की आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बीच में रिसर्च पूरी बंद हो चुकी है, हजारों साल पहले के ग्रंथ हैं और उनमें योग लिखे हैं। आज के समय में जो लोगों की समस्याएं हैं बिल्कुल आधुनिक, अब देखिए एक बहुत बड़ी समस्या हमारा जो भारतीय वास्तु है, उस पर भी एक दो लाइन बोल दूँ कि भारतीय वास्तु में करने के लिए बहुत बड़ा भूखंड होना चाहिए और उसमें इतना पिंड साधन करिए, इतना स्पेस निकाल दीजिए, इतने यहाँ कमरे वहाँ, और नए घर छोटे छोटे, किसी का 400 स्क्वायर फीट का, किसी 800 स्क्वायर फीट का, 1200, 1600, 1800 स्क्वायर फीट का, एक फ्लैट करोड़ों में पहुँच जाता। तो अब इतनी छोटी छोटे जगह पर फ्लैट में कैसे वास्तु आप बनाएंगे, तो उसके लिए भी रिसर्च की आवश्यकता है कि कहाँ पर पानी का हो, कहाँ साधन हो, कैसे कक्ष हो, रूम हो, और तोड़ फोड़ भी ना हो, क्योंकि महंगाई इतनी है, बनवाना मुश्किल, तोड़ना और मुश्किल। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे चीनी
वास्तु है उसका समन्वय करना पड़ेगा कि उपाय के लिए ज्ञान शक्ति है, जी शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी कहाँ से आए, हम कैसे निगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं और व्यक्ति को लाभ। ज्योतिष शास्त्र बड़ा फलित विषय ये है, इसकी एक वैज्ञानिकता की इसमें व्यक्ति को लाभ फायदा दिखेगा तो वो मानेगा कि हाँ बच्चे जो, और नहीं दिखेगा तो कहेगा भाई नहीं, तो लाभ भी उसको होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को रिसर्च करते हुए, क्योंकि आप सभी ज्योतिषी हैं और मेरे घर से ज़्यादातर ज्योतिषी आए हैं, हम सब लोगों को, मैं भी इसी में लगा रहता हूँ, बहुत ज़्यादा अकेले का काम नहीं है, सब लोगों को मिलकर हम लोगों को करना है। और तब आज के समय में जो हमारा वास्तविक अंत में, मैं अपनी बात को यही कह के विराम दूंगा कि हम लोग सब मिलकर जब ये कार्य करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो फलित ज्योतिष को जो लोग नहीं मान रहे या जो आज भी कहते हैं कि फलित ज्योतिष जो है वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, वैसे तो गणित ज्योतिष की स्थिति तो ये कि नासा में भी लेक्चर शुरू हो गए सूर्य सिद्धांत के रूप में। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष का प्राचीन सबसे पहला जो है गणित ज्योतिष का ग्रंथ है सिद्धांत का, उस पर लेक्चर शुरू हो गया 15 दिन का होता है, जो नासा वैज्ञानिक के रूप में जाते हैं, तो वो तो चल रहा है, मतलब फलित ज्योतिष पर जो लोग उंगली उठाते हैं उनकी उंगली भी डाउन, वो जो है जो फलित ज्योतिष के महत्व को भी समझ और समझ रहे हैं धीरे धीरे, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। इसके लिए मैं दिलीप जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जब अच्छे लोग आगे आएंगे, क्योंकि जब सूर्य उदित होता है तो अंधकार स्वयं भागता है, जब अच्छे लोग आगे आएंगे तो जो ढोंग पाखंड और इसमें जो चार दिन किसी ज्योति के साथ चले बैठ गए कि वो भी ज्योति बन जाते हैं, कोई डिग्री नहीं कुछ नहीं कोई पढ़ाई नहीं ऐसे, तो वो भी सब जो है। और आप लोग जैसे कि सबको अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे लोग आगे आइए, अंधकार सभी भाग जाएगा, सूर्य भी तो होगा और फिर से सत्य का विजय होगा, फलित ज्योतिष का भी मान सम्मान यश कीर्ति बढ़े। उसी प्रकार जैसे भारत जो है आज भी विश्व में इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पर ज्योति फलित ज्योतिष करने बहुत अच्छे ज्योति, विदेश से लोग ये पूछते हैं क्या भविष्य होगा, और कहीं ये चीज नहीं मिलेगी आपको भारत में ही मिलती है कि ज्योतिषी के पास तीसरा नेत्र है, वो चीजें देख लेता है जो सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता है, शिव के समान है। इसलिए मैं इसी के साथ में सभी ज्योतियों को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, नमस्ते अभिवादन आप लोगों को करूंगा। थैंक यू मोहन जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ज्योतिष विद्या और ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच। पंच तत्वों और दिशाओं के काल में